हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि प्रोफेसर सतीश चंद्रा जी के द्वारा लिखी पुस्तक है। और यहां पर आज आपका 16वां अध्याय है, तो आज हम यहां के इस पर इसके नोट्स बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं क्या क्या नोट डाउन करना है, क्या क्या डिस्कस करना है हमें यहां पर। ठीक है, यहां पर आज आपका जो चैप्टर नंबर यानी 16वां अध्याय जो है, आपका अध्याय 16 जो है, ये मुगलों की विदेश नीति के बारे में है। यानी कि मुगलों की जो विदेश नीति कैसी रही है, किस प्रकार से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को, किस प्रकार से अपने फेवर के लोगों को इन्होंने संतुष्ट किया है, तो वो हम सब यहाँ पे जानेंगे। देखिए, आपको ये तो पता होगा कि यहाँ पर जब जो आए, यानी कि जो फरगाना का इसे शासक बनाया गया था, इसके पिता यानी कि इसके बाबा को, अकबर के पिता यानी अकबर के बाबा हुमायूं बाबर को, तो वहाँ पर उस समय तीन शक्तियाँ थी, केंद्रीय शक्तियाँ थी, जिसमें उज्बेक थे, ईरानी थे और तुर्की थे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो समरकंद के आसपास वाला क्षेत्र था, वहाँ पर कुछ कुछ दिनों के लिए जो है बाबर ने शासन किया, फिर वहाँ से उसे उज्बेकों ने उसे निकाल के फेंक दिया। ठीक है, तो इस तरह से उज्बेक जो हैं वो मुगलों के शुरुआत से इनके प्रतिद्वंदी रहे हैं, यानी उज्बेकों से इनकी कभी नहीं बनी है। इसके अलावा ईरान में सब्वी वंश का शासन भी रहा है, तो ईरान के सब्वी वंश वाले शासन ने इनकी काफ़ी मदद की है मुगल परिवार की। देखिए, मुगल परिवार आपको पता होगा ये तैमूरी थे, यानी कि मैल रूप से तैमूर वंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, माँ जो है मंगोल थी और ये तैमूरी वंश से बिलोंग करते थे, तो इस वजह से इनकी जो परंपराएं हैं, यानी कि ये तैमूरी जो परंपराएं थी ये अपने साथ लेके आए, भारत लेके आए हैं, और इनके यानी कि जो ईरान में सभी वाले शासक हैं, सभी वाले शासकों से इनका कुछ परसेंट रहा है लगाव, लेकिन उज्बेकों से इनका बिल्कुल नहीं रहा है, उज्बेक इनके एकदम प्रतिद्वंदी रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो मुगल थे ये भी सुन्नी थे, और जो उज्बे यानी कि जो और जो सफ़वी थे वो भी यानी कि जो सफ़वी थे वो सिया थे। ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी खासी थी दोनों लोगों में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं आज, अकबर और उज्बेक, यानी अकबर का उज्बेकों के साथ किस प्रकार के संबंध थे ये हम जानेंगे पहले। ठीक है, तो पहले तो हम ये पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि ये संबंध कहाँ से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, देखिए 1510 में जो सफावी हैं, सफावियों के हाथों में जो उज्बेक सरदार है सैवानी खान, इसकी हार हो जाती है शिकस्त के बाद, तो फिर बाबर को थोड़े समय के लिए समरकंद वापस मिल जाता है। यानी कि 1510 के करीब जो सफावियों के हाथों उज्बेक सरदार सैवानी खान की जो है हार हो जाती है, तो उसके बाद बाबर को थोड़े समय के लिए समरकंद वापस मिल जाता है। देखिए, सफवियों ने हमेशा से इन तैमूरियों की मदद की है, यानी कि मुगलों तैमूरियों से मतलब मुगलों की। ठीक है, तैमूर नहीं बोलेंगे, मुगल बोलेंगे, क्योंकि ये दो वंशों के यानी दो वंशों से मिलकर पैदा हुए थे। ठीक है, इस वजह से इन्हें मुगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुगलों की इनकी मदद की है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना यही कि 1510 में सफावियों के हाथों उज्बेक सरदार सैवानी खान की शिकस्त के बाद बाबर को थोड़े समय के लिए समरकंद वापस मिला। ठीक है, लेकिन बाद में इसे छोड़ना भी पड़ा है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये हाथ में नहीं रहा है, यानी थोड़े ही दिनों तक ये हाथ में रहा है, फिर भी यानी कि इतने दिनों के लिए इन्होंने इनके सफवियों से अच्छे खासे संबंध में स्थापित हो गए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक शासक और है शाह। ठीक है, शाह ईरान, तो शाह ईरान से इसे जो सहायता मिली है, तो इन्होंने शाह ईरान से जो सहायता मिली है उसने मुगलों और सफावियों के बीच एक दोस्ती की परंपरा कायम की है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब हुमायूं को एक शिकस्त मिली थी, यानी कि हुमायूं को शेरशाह सूरी ने भारत से निकाल दिया था, भारत से पछाड़ दिया था, जो आगरा के पास एक युद्ध यानी आगरा के बीच में युद्ध हुआ था, तो वहां से इसे भगा दिया था, पछाड़ दिया था, तो हुमायूं ने ईरान में ही शरण ली थी, ईरान में सफवी सुल्तान की यहाँ ही शरण ली थी। तो इस तरह से सफवियों से इनके संबंध जो है अच्छे खासे शुरुआत से रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। अब पहले का सब पॉइंट अब आप नोट करेंगे, पहले का पहला सब पॉइंट है, शाह ईरान से मिली सफलता ने मिली सफलता ने मुगलों और सफावियों के बीच दोस्ती की एक परंपरा कायम की। किसे? बाबर को, यानी बाबर को जो सफावियों से शाह ईरान से उसे जो सहायता मिली है उसने मुगलों और सफावियों के बीच एक दोस्ती की एक नई परंपरा की नींव डाली है। ठीक है, इसके अलावा सफवी सुल्तान शाह, जो एक सफवी सुल्तान और है जिसका नाम है शाह तहमास्प, सेकेंड सब पॉइंट नोट कर लेना, सफवी सुल्तान शाह तहमास्प ने सफवी सुल्तान शाह तहमास्प ने हुमायूं को भारत से निकाले जाने के बाद शरण दी। इस तरह से लिख लेना, हुमायूं को भारत से निकाले जाने के बाद शरण दी। ठीक है, यानी शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूँ, यानी आप जानते हैं हुमायूं को क्यों निकाला गया, क्यों यहाँ से भागना पड़ा हुमायूं को, शेर शाह सूरी के से हारने के बाद इसे भागना पड़ा था। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं,
देखिए, जो अब्दुल्ला खान उज्बेक है, हम बाबर के समय से पढ़ रहे हैं, बाबर के समय से क्या क्या घटित हुआ है, उनसे हमसे हमारा इतना कंसर्न नहीं है, इतना हमें लेन देना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सब चीज हम लिख चुके हैं। जब उन्होंने बाबर वाला अध्याय स्टार्ट किया था उस टाइम पे हम ऑलरेडी जो तीनों साम्राज्य रहे हैं, कैसे कैसे इनमें युद्ध रहे हैं, कैसे कैसे लड़े भिड़े हैं, वो सब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो वो लाइनें हम रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए अगला पॉइंट, अब आप नोट करेंगे, सेकेंड पॉइंट है, देखिए 1510 के दशक में क्या होता है कि जो अब्दुल्ला खान है, एक उज्बेक है, तो इसने तमाम उज्बेकी क्षेत्रों की शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अलावा 1572-73 में अब्दुल्ला खान है, इसने क्या किया है, अब्दुल्ला खान उज्बेक ने, इसने बल्ख पर कब्जा कर लिया है, जो कि बदख्शां के साथ मुगलों और उज्बेकों के बीच एक तटस्थ क्षेत्र था, यानी कि यहीं पर मुगलों का बॉर्डर होता था, खत्म होता था, और वहीं पे उससे आगे बल्ख था। तो कहीं ना कहीं ये आमने सामने आ गए, मुगल और उज्बेक जो है आमने सामने आ गए इस तरह से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट अब आप नोट कर लेना, 1572-73 में अब्दुल्ला खान उज्बेक ने बल्ख पर कब्जा कर लिया, जो बदख्शां के साथ मुगलों और उज्बेकों के बीच एक तरह का तटस्थ क्षेत्र था, ठीक है, तटस्थ क्षेत्र था। अब क्या होता है, उसी समय तहमास्प की मृत्यु हो जाती है 1576 में। अगला पॉइंट नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट, शाह तहमास्प की मृत्यु 1576 के बाद, ठीक है, बाद ईरान अराजकता और अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जब इधर तो बल्ख तक ही आ गए, उज्बेक आ गए, उधर क्या होता है, ईरान में शाह तहमास्प की मृत्यु हो जाती है। अब अब्दुल्ला खान ये सोचता है कि भाई हम और मुगल मिलकर क्यों ना ईरान को आधा आधा बांट लें। इसके संदर्भ में वो क्या करता है, वो अकबर के पास अपने दूत भी भेजता है, लेकिन अकबर जो है उसके दूत को बड़ी कड़ी फटकार लगाता है, और अब्दुल्ला खान को भी फटकार लगाता है। वो कहता है हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं, और हाँ आप हमको एक पंथिक, यानी एक जो है पंथ में बांट के, मतलब हमसे एक पंथिक भेदभाव करवा रहे हैं, हम ये कदापि नहीं करेंगे। तो इस तरह से अकबर साफ साफ मना कर देता है, वो ईरान के में हस्तक्षेप में कोई भी सहयोग इसका नहीं करेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट तो नोट कर लिया होगा, अब इसी में सब पॉइंट नोट करेंगे, थर्ड की सब पॉइंट में 1577 में, सॉरी, ठीक है, यहीं पे आप नोट करेंगे 1577 में, यहां से थर्ड का सब पॉइंट ये है कि 1577 में अब्दुल्ला खान ने ईरान के बंटवारे के प्रस्ताव के साथ अकबर के पास एक दूत भेजा। ये थर्ड का पहला सब पॉइंट है, 1577 में अब्दुल्ला खान ने ईरान के बंटवारे के प्रस्ताव के साथ एक दूत अकबर के पास भेजा, ठीक है। अब अकबर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी कि ईरान के अंगेश कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ईरान के फेवर में रहा है, ठीक है। लेकिन उज्बेक जो थे वो बड़े परेशान थे, उज्बेकों को ये लगता था कि जल्दी से जल्दी निराकरण हो जाए तो हमारे हाथ में सत्ता भी आ जाएगी और हमारा फिर मुगलों से कोई विवाद नहीं होगा, जबकि अकबर नहीं चाहता था। अकबर मेन रूप से मध्य एशिया में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था, मध्य एशिया के क्षेत्रों पर लूटपाट नहीं मचाना चाहता था, क्योंकि वो भारत में जम चुकी थी जड़ें उनकी, तो इस वजह से वो उतना नहीं चाहते थे। ये जो अकबर है, यानी अकबर के बाद जो जितने भी जो मुगल वंश के शासक, इन सब ने केवल इतना ही चाहा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, यानी कि हमारी जो भारी सीमाएं हैं, जो काबुल और कंधार तक फैली सीमाएं, वो सुरक्षित रहें, वहां पर उज्बेक अपना आक्रमण ना फैलाएं। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है, उज्बेक मान नहीं रहे हैं। तो क्या होता है, अब सेकंड सब पॉइंट यहां पे नोट करेंगे, यहां पर सेकंड सब पॉइंट आप यहां पे नोट करेंगे, तीसरे का, अकबर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी कि अकबर ने जो उसके दूत भेजा था, दूत के हाथों एक समझौते का प्रस्ताव था, उस पर अकबर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ठीक है। अकबर ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब, ठीक है, तब अब्दुल्ला उज्बेक ने उस्मानी सुल्तान से भी संपर्क किया और ईरान के खिलाफ सुन्नी शक्तियों के त्रिपक्षीय समझौते का प्रस्ताव रखा। ये आपका सेकंड सब पॉइंट ही है, यानी कि जब अकबर के पास दूत भेजा है तो अकबर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, तो उज्बेक मानने वाले कहाँ थे, उज्बेकों ने फिर क्या किया है, उज्बेकों ने उस समय जो उस्मानी वंश था, यानी उस्मान थे वहां पर मध्य एशिया में, तो उनसे संपर्क किया है ईरान के खिलाफ सुन्नी शक्तियों के त्रिपक्षीय समझौते के प्रस्ताव को लेकर। अब अकबर को ये बात फिर से पता चलती है, अकबर को पता चलता है कि भाई इन्होंने एक तो हमारे पास दूत भेजा है, फिर से इन्होंने वहां पर भी बात की है, तो अकबर अब फिर से बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, यानी अकबर को बड़ा ही गुस्सा आती है इनके। तो अकबर ने एक जवाब फिर भेजा है, यानी इसके जवाब में अकबर ने अब्दुल्ला उज्बेक के पास दूत भेजकर जो है एक संदेश दिया है उसे, ठीक है। तो यहां पे थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे, इसके जवाब में अकबर ने
अब्दुल्ला उजवे के पास अपना दूध भेजा, दूत भेजकर, ठीक है, सफवियों के बारे में अपमानजनक बातें कहने के लिए अब्दुल्ला खान उजवेक को फटकारा। यानी कि अकबर को इतनी गुस्सा आई है, अकबर ने जो है जो आपका उजवेक है यानी अब्दुल्ला उजवेक को उसके दरबार में अपना दूत भेजा, दूत भेजकर उसे फटकार लगवाई है कि आप इतनी कैसी आप हिमाकत कर रहे हैं कि आप ईरान को तोड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका थर्ड सब पॉइंट था, थर्ड सब पॉइंट था। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो बल्क तक यहां पर अब्दुल्ला उजवेक आ चुका है, अब बल्क से थोड़ा आगे बदख्शां था, तो अब बल्क से थोड़ा आगे बदख्शां था, तो बदख्शां पर इसने क्या किया है, कब्जा कर लिया। यानी कि बहुत उतावला था ये उजवेक, जो अब्दुल्ला खान था बढ़ाई उतावला था, तो इसने 1585 में क्या किया, 1585 में बदख्शां पर इसने कब्जा कर लिया है। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट नोट करेंगे, चौथा पॉइंट, 1585 में अब्दुल्ला उजवेक ने अचानक बदख्शां पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यानी कि इसने अचानक से जो है बदख्शां पर कब्जा कर लिया है। और इसी बीच क्या होता है कि अकबर का जो सौतेला भाई है मिर्जा हकीम, इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अकबर ने फिर काबुल को अपने साम्राज्य में समेट लिया। यानी काबुल पर शासन कर रहा था इसका भाई सौतेला भाई, तो फिर काबुल भी इसके अंडर में आ गया है, और काबुल से थोड़ी दूरी पर जो है बदख्शां है, बल्क है। ठीक है, तो इस वजह से इनके लिए बड़ा चिंता का विषय तो है ही है कि हमें अपनी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी सीमाएं सुरक्षित करनी है, और ऊपर से वहां तमाम विद्रोह वगैरह हुए थे, इस वजह से अकबर जो है वहीं पर लाहौर में जाके जमकर बैठ गया है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ी चुके हैं ऑलरेडी आप ऑलरेडी। तो अब चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे, पहला सब पॉइंट है, इस बीच अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम की मृत्यु 1585 के बाद अकबर ने काबुल के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में समेट लिया। ठीक है, इस तरह मुगल और उज्बेक सीमाएं पास पास आ गई, यानी वो तो बदख्शां तक आ गए तो काबुल तक पहुंच गए, तो इस तरह से इनका टकराव अब बढ़ने, यानी उज्बेकों से अब इनका टकराव अच्छा खासा होने जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये आपका चौथे का पहला सब पॉइंट था, नोट कर लिया आपने। अब देखिए इसी टाइम पे क्या करता है अब्दुल्ला खान उज्बेक, उसने एक काम और किया है इसी टाइम पे। अब्दुल्ला खान उज्बेक बेचैन तो था ही था, उसने ईरान का खुरासान वाला हिस्सा जो है वो भी छीन लिया है। ठीक है, तो यहां पर अब आप चौथे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, इस बीच उज्बेकों ने ईरान के खुरासान के अधिकांश हिस्से छीन लिए। इस बीच उज्बेकों ने, सेकंड सब पॉइंट है चौथे का, ईरान के खुरासान के कुछ हिस्से छीन लिए। अब देखिए इसकी खबर भी अकबर को मिलती है, भाई एक तो आप बल्क तक थे, बल्क से बदख्शां तक आ गए, यानी कि हमारे बिल्कुल बॉर्डर के पास आ गए, ऊपर से आपको मना करने के बाद भी आपने ईरान के खुरासान वाले कुछ हिस्से छीन लिए हैं, तो अकबर को गुस्सा आना स्वाभाविक था। ठीक है, अब इसके बाद अकबर ने एक दूत जो है वो अब्दुल्ला उज्बेक के पास भेजा है, और इसके बाद एक समझौता हुआ है। ठीक है, एक समझौता हुआ है जिसमें हिंदुकुश जो है, हिंदुकुश पर्वत है, इसको दोनों की सीमा मान लिया गया है। यानी इसके बाद एक समझौता किया गया है अकबर और अब्दुल्ला खान उज्बेक के मध्य। ठीक है, इसमें क्या है, हिंदुकुश को दोनों के बीच की सीमा मान लिया गया है। तो आप यहां पर अब आप नोट करेंगे, आप यानी कि अब आप पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, यहां पर अकबर ने एक दूत अब्दुल्ला उज्बेक के पास भेजा, और एक समझौता हुआ। अब अकबर ने एक दूत अब्दुल्ला उज्बेक के पास भेजा और एक समझौता भी हुआ जिसमें हिंदुकुश को दोनों के बीच की सीमा मान लिया गया, जिसमें हिंदुकुश को दोनों के बीच की सीमा मान लिया गया। अब पांचवे का सब पॉइंट लिखेंगे। अब आप देखिए इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यह था कि मुगलों ने बदख्शां और बल्क पर अपना दावा छोड़ दिया। ठीक है, जो 1585 तक तैमूरी राजाओं के शासन में थे, और जो उज्बेक हैं, उज्बेकों ने काबुल और कंधार पर दावा नहीं करेंगे। यानी इस समझौते में, ये प्रस्ताव में, यानी हिंदू को सीमा में डिवाइड होने से ये फायदा हुआ कि अब जो मुगल हैं वो बदख्शां और बल्क पर अपना दावा नहीं ठोकेंगे, और जो उज्बेक हैं वो कंधार और काबुल, जो कि मध्य एशिया के प्रवेश द्वार कहे जाते थे उस समय, व्यापारिक प्रवेश द्वार थे, तो उन पर अपना दावा नहीं करेंगे, ये समझौता हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लेना पांचवें का सब पॉइंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब यह था कि मुगलों ने बल्क और बदख्शां पर दावा छोड़ दिया, जो 1585 तक तैमूरी राजाओं के शासन में थे, और उज्बेक काबुल और कंधार पर दावा नहीं करेंगे। ठीक है, काबुल और कंधार, इसे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
अब कुछ समय बाद जो है जो अब्दुल्ला खान उजबेक है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसकी मृत्यु से पहले जो अकबर है, अकबर ने कंधार को जीत लिया है, यानी कंधार को अपनी जीत कर अपनी जो आखिरी चौकी आप बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम में, वो आखिरी चौकी के रूप में इसे बना लिया है, ठीक है। एक वैज्ञानिक सीमा क्रिएट की है। 1586 में आपको पता ही होगा लाहौर में तमाम विद्रोह घटित हो चुके थे मिर्जाओं वगैरह के, तो मिर्जा हकीम के विद्रोह से निपटने के लिए लाहौर में आके बैठ चुका है। इसने अब क्या किया है, 1595 में कंधार को जीत लिया है जो कि हिंदू उसके अपने फेवर में ही था ये, और यहाँ पर अपनी सीमा को स्थापित कर दिया है, ठीक है। छठा पॉइंट अब आप नोट करेंगे यहाँ पे, अकबर ने 1595 में कंधार को जीतकर एक वैज्ञानिक और रक्षणी सीमा स्थापित करने का अपना उद्देश्य पूरा किया, ठीक है। इसी में सब पॉइंट नोट करेंगे, छठे का सब पॉइंट। 1598 में अब्दुल्ला खान उज्बेक की मौत के बाद ही वह आगरा के लिए चला गया, ठीक है। यानी कि 1598 में अब्दुल्ला खान उज्बेक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद ही यह आगरा लौट के आया है, ठीक है। तो ये था इनका अकबर का उज्बेकों के साथ संबंध, यानी अकबर का उज्बेकों के साथ क्या क्या मैटर रहा है वो आपने जान लिया, ठीक है। देखिए मैंने ज्यादा जो प्रायर इतिहास पढ़ने का रीजन नहीं था हमारे पास कि मैं पहले का जो इतिहास है क्या क्या घटित हो रहा है, क्योंकि हमारा मेन रीजन था मुगलों तक फोकस करना, तो इसलिए मैंने मुगल वाले पोर्शन में फोकस किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अगला अब हेडिंग अगली है ईरान से संबंध और कंधार का प्रश्न, यानी ईरान से इनसे इनके कैसे संबंध रहे मुगलों के, और कंधार जो है कंधार पर इनका जो है कैसा जो है मेल जोल रहा है, कंधार पर कंधार का प्रश्न जो है कैसे इन्होंने सुलझाया है, ठीक है। देखिए जो ईरान है और मुगल है इनके बीच जो परेशानी की अकेली जड़ थी वो कंधार थी, ठीक है, जिस पर दोनों के जो दावे थे वो रणनीतिक और आर्थिक आधारों पर किए जाते थे, ठीक है। और ये दोनों जो है कंधार जो था पहले तैमूरी साम्राज्य का अंग रह चुका था, साम्राज्य का अंग रहने की वजह से मुगल इस पर अपना दावा ठोंकते थे, उधर से जो ईरान के शासक थे ईरान के शासकों की अंतिम चौकी के रूप में मानते थे, वो ये कहते थे भाई हमारी भारत के लिए अंतिम चौकी है, ठीक है। तो दोनों लोगों के लिए अपने अपने सामरिक महत्व, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचते थे कि भाई हम भारत का हमारा व्यापार पर नियंत्रण हो जाएगा, ये सोचते थे हमारा मिडिल ईस्ट पर व्यापार पर नियंत्रण हो जाएगा, तो दोनों के लिए कंधार बहुत महत्वपूर्ण था, ईरान के शासकों के लिए भी और भारत के मुगलों के लिए भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे क्या क्या घटित हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। पहला पॉइंट यहां पर आप पहला पॉइंट ही अब आप नोट करेंगे, कंधार तैमूरी साम्राज्य का अंग रह चुका था और ठीक है, और बाबर के रिश्ते के भाई जो हेरात के शासक थे उस पर 1507 में उज्बेकों द्वारा बेदखल किए जाने पर शासन कर चुके थे, यानी कि कंधार पर इनका अचानक बैठ जाना कोई अचानक से बैठ जाना कोई तय नहीं हुआ था, यानी कि ऑलरेडी इनके संबंध थे कंधार से, ठीक है, मुगलों के। पहला पॉइंट यही है कि कंधार तैमूरी साम्राज्य का अंग रह चुका था और बाबर के रिश्ते के भाई जो हेरात के शासक थे उस पर 1507 में उज्बेकों द्वारा बेदखल किए जाने तक शासन कर चुके थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए रणनीतिक दृष्टि से भी जो कंधार था ये काबुल की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य था। सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, रणनीतिक दृष्टि से काबुल कंधार काबुल की सुरक्षा के लिए जो है अनिवार्य था, क्योंकि उस समय एक कंधार में एक बहुत ही मजबूत किला भी था, जो कंधार की गिनती है वो मजबूत किलों में भी की जाती थी, उसमें पानी वगैरह की अच्छी खासी व्यवस्था थी, इस वजह से जो ये बहुत ही सामरिक महत्व था इसका कंधार का, ठीक है। तो अब यहां पर इसके अलावा सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, इसके अलावा कंधार से क्या होता था, काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों की संधि स्थल पर स्थित कंधार पूरे दक्षिणी अफगानिस्तान का केंद्र था और उसकी स्थिति बहुत रणनीतिक महत्व की थी, यानी कि ये नोट करेंगे आप, यहीं तक नोट कर लीजिए, ठीक है। यानी सेकंड का सब पॉइंट, काबुल और हेरात जाने वाली सड़कों के संधि स्थल पर स्थित कंधार पूरे दक्षिणी अफगानिस्तान का केंद्र था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अकबर ने क्या किया है, अकबर ने आपको पता होगा कि अकबर ने कि सिंध और बलूचिस्तान के विजय के बाद मुगलों के लिए कंधार का महत्व तो बढ़ गया है, मुगलों ने अपना महत्व जमाने की कोशिश की है क्योंकि उज्बेकों विद्रोह से निपटने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, अकबर की सिंध और बलूचिस्तान विजय के बाद मुगलों के लिए कंधार का रणनीतिक और आर्थिक महत्व और बढ़ गया, ठीक है, थर्ड पॉइंट यही है। थर्ड का सब पॉइंट नोट करेंगे, देखिए कंधार जो होता है एक समृद्ध उपजाऊ प्रदान था, ठीक है, और यहां पर जो है तमाम तरह का व्यापार भी होता था, ठीक है। तो यहां पे अब आप सब पॉइंट नोट करेंगे, आप यह भारत और मध्य एशिया के बीच
मनुष्यों और वस्तुओं की आवाजाही का केंद्र था, यानी कंधार जो था भारत और मध्य एशिया के बीच मनुष्यों और वस्तुओं की आवाजाही का केंद्र था। ये थर्ड का पहला सब पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा इसका महत्व और था, इसका महत्व ये था कि वहां से मक्का के यात्री भी जाते थे, स्थल मार्ग से होकर यहीं से जाते थे। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, यह मक्का में तीर्थ यात्री और माल भेजने का एक वैकल्पिक मार्ग है, मार्ग था, है नहीं क्योंकि इसने कथन लिखा है, तो कथन लिखने से हमें मतलब नहीं है, हम तो ये लिखते रहे था, ठीक है। थर्ड का सेकंड सब पॉइंट ये नोट करेंगे, यह मक्का में तीर्थ यात्री और मुगल और माल भेजने का एक वैकल्पिक मार्ग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंधार जो था वो 1522 ईस्वी में ये जो है बाबर के हाथों में आया है, जब उज्बेक जो थे एक बार फिर खुरासान के लिए खतरा बने हुए थे, यानी जब उज्बेक फिर से खुरासान के लिए खतरा बने हुए थे उस टाइम पे इस पर कंधार पर जो है बाबर ने अपना राज जो है आधिपत्य स्थापित किया है, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या होता है, बाबर के बाद में क्या होता है, हुमायूं का शासन आता है। तो हुमायूं की मृत्यु के बाद जब हुमायूं की मृत्यु के बाद जो अफरा तफरी फैलती है तो उसका लाभ उठाकर जो ईरान का शाह तहमास्प है, सफवी वंश का शासक है शाह तहमास्प ईरान का, तो ये कंधार पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। पांचवा पॉइंट नोट कर लेना कि हुमायूं की मृत्यु के बाद फैली अफरा तफरी का लाभ उठाकर शाह तहमास्प ने कंधार पर अधिकार कर लिया। शाह तहमास्प याद रखना ईरान का सफवी शासक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांचवे का सब पॉइंट। अब देखिए अकबर ने इसे पाने का कोई प्रयास नहीं किया है, ठीक है। आप पांचवे का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, अकबर ने उसे पाने का उसे या फिर लिख लिया उसे फिर से पाने का कोई प्रयास अकबर ने तब तक नहीं किया जब तक अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में उज्बेक ईरान और मुगलों के लिए खतरा नहीं बने। यानी अकबर ने नई दोबारा नए सिरे से कोई नई जंग नहीं छेड़ना चाहता था, वो यही चाहता था जो हमारे पूर्वी भारत वाले विद्रोह वो शांत हो जाए, अफगानों के विद्रोह शांत हो जाए, कोई नया विद्रोह नहीं छेड़ना चाहता था, इसलिए अकबर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया शुरुआत में, ठीक है। तो पांचवा पहला सब पॉइंट यही है, उसे फिर से पाने का कोई प्रयास अकबर ने तब तक नहीं किया जब तक अब्दुल्ला के नेतृत्व में उज्बेक ईरान और मुगलों के लिए फिर से खतरा नहीं बने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर धीरे धीरे क्या होता है कि ईरान की स्थिति जो है वो डामाडोल थी, यानी ईरान की स्थिति भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, उज्बेक ईरानों के लिए भी अच्छा खासा खतरा थे, तो ऊपर से इन्हें एक सामरिक स्थिति अपनी मजबूत करनी थी, यानी कि अकबर को अपनी एक सामरिक स्थिति भी मजबूत करनी थी। इसके अलावा अकबर को सबसे मेन चीज थी कि इन्हें उज्बेकों के आक्रमण को रोकना था, ठीक है। तो आप यहां अगला सब पॉइंट नोट करेंगे, पांचवें का सेकंड सब पॉइंट, अकबर की कंधार विजय का उद्देश्य संभावित उज्बेक आक्रमण के खिलाफ उत्तर पश्चिम में एक व्यवहारिक सीमा रेखा बनाना था, क्योंकि खुरासान तब तक उज्बेक नियंत्रण में जा चुका था, ठीक है। यहां तक नोट कर लेना आप पांचवें का सेकंड सब पॉइंट, यानी अकबर का जो उद्देश्य था वो यही था कि अकबर की कंधार विजय का उद्देश्य संभावित उज्बेक आक्रमण के खिलाफ उत्तर पश्चिम में एक व्यवहारिक सीमा रेखा बनाना था, ठीक है। यहां तक ही नोट कर लेना, व्यावहारिक सीमा रेखा बनाना था, ठीक है। ये पांचवें का सेकंड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मुगलों की जो कंधार विजय, यानी मुगलों में अब अकबर का समय स्टार्ट हो जाता है, तो मुगलों की कंधार विजय के बावजूद भी इनके ईरानों से और मुगलों के संबंध जो है सौहार्दपूर्ण बने रहे हैं, ठीक है। छठा पॉइंट नोट कर लेंगे आप कि मुगलों की कंधार विजय के बाद बावजूद ईरान और मुगलों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे, ठीक है। ये आपका छठा पॉइंट था। छठे का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे आप, यहां का ईरान का शासक उस समय था शाह अब्बास प्रथम, शासन 1588 से 1629, जो सफवी शासकों में सबसे महान था, मुगलों से अच्छे संबंध रखने में रुचि रखता था, ठीक है। ये नोट कर लेना, छठे का पहला सब पॉइंट, यानी शाह अब्बास प्रथम रहा है अकबर के समय से लेकर जहांगीर के समय तक, शासन 1588 से 1629, सभी शासकों में सबसे महान था और मुगलों से अच्छे संबंध रखने में रुचि रखता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए शाह अब्बास ने जो है दक्कन में भी अपना प्रसार किया है, और दक्कन में जब इसने अपना कूटनीतिक प्रसार किया तो जहांगीर ने रोका नहीं है इसे, ठीक है। तो छठे का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे, शाह अब्बास ने दक्कनी शासकों के साथ भी गहरे कूटनीतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित किए, पर जहांगीर ने इस पर आपत्ति नहीं की, यानी कि उसने जो सफवी शासक है शाह अब्बास उसके संबंध जो है दक्कन तक रहे हैं, तो दक्कन में जब संबंध थे तो जहांगीर का शासन चल रहा था, जहांगीर ने उस पर कोई आपत्ति जताई नहीं है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए धीरे धीरे ये कालक्रम चलता रहा है। अब क्या होता है कि 1620 में आते आते जो सहाबास है, सहाबास ने कंधार को वापस दिए जाने की एक विनम्र प्रार्थना की है, यानी कि इस कंधार को वापस दिए जाने की विनम्र प्रार्थना किससे की, विनम्र प्रार्थना की जहांगीर से। ठीक है, सातवां पॉइंट नोट करेंगे, 1620 में सहाबास ने कंधार वापस दिए जाने की विनम्र प्रार्थना की और उस पर आक्रमण की तैयारियां करने लगा। ठीक है, और उस पर आक्रमण की तैयारी करने लगा। अब देखिए जब आक्रमण की तैयारी करने लगा और जब इनके संबंध भी अच्छे खासे थे ईरानों से, सहाबास से जहांगीर के, तो जहांगीर को बड़ा ही एक झटका लगा है। जहांगीर एकदम स्तब्ध रह गया है कि हम तो बहुत अच्छा संबंधी मानते थे, ये तो आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे करके कंधार पर आक्रमण करने की। तो फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी में जहांगीर जो है अपनी सेना तैयार करता है। ठीक है, साथ में का सब पॉइंट नोट करेंगे, जहांगीर स्तब्ध रह गया, जहांगीर स्तब्ध रह गया, कंधार को बचाने के लिए जल्दी में तैयारियां की गई, कंधार को बचाने के लिए जल्दी में तैयारियां की गई, पर शाहजहां के विद्रोह के कारण, पर शाहजहां के विद्रोह के कारण कंधार ईरानियों के हाथ में चला गया। उसी टाइम पे शाहजहां के विद्रोह भी स्टार्ट हो गए थे 1622 के आसपास, शाहजहां जो अपने पिता से लड़ने झगड़ने लगा था, तो इस वजह से ये प्रॉपर वे में कंधार पर ध्यान नहीं दे पाया है और कंधार इनके हाथ में चला गया। किनके हाथ में, सहाबास के हाथ में। फिर से रिपीट कर रहा हूं साथ में का सब पॉइंट, कि जहांगीर स्तब्ध रह गया, कंधार को बचाने के लिए जल्दी में तैयारियां की गई, पर शाहजहां के विद्रोह के कारण कंधार 1622 में ईरानियों के हाथ में चला गया। अब क्या होता है, उसी टाइम पे भाई सहाबास है, सहाबास भी जानते थे कि भाई मुगल जो है भारत में बहुत अच्छी खासी शक्ति है, तो वो सहाबास ने एक कीमती उपहारों से लदा एक प्रतिनिधिमंडल जो है सहाबास ने भेजा है जहांगीर के दरबार में कि भाई हमारी कड़वाहट कैसे समाप्त हो जाए। ठीक है, तो जहांगीर ने भी देख लिया भाई कूटनीतिक रूप से हमारे लिए कंधार, मेन रूप से कंधार किसके लिए सुरक्षित करना चाहते थे, उज्बेकों के आक्रमण से सुरक्षित करना चाहते थे, और ईरानियों का दुश्मन और मुगलों का दुश्मन एक ही थे, कौन थे, उज्बेक थे। तो इसलिए जहांगीर को ने भी समझौता कर लिया, जहांगीर ने कहा जो हुआ सो हुआ, समझौता हो गया है। ठीक है, तो यहां पे अब आगे क्या होता है, आगे ये घटित होता है कि सहाबास की मृत्यु हो जाती है 1629 के बाद और ईरान में उथल पुथल मच जाती है। ठीक है, अब इसी दौरान क्या करता है, इसी दौरान जो शाहजहां है, शाहजहां का शासन स्टार्ट हो गया था 1628 से, तो शाहजहां ने क्या किया है, शाहजहां ने कंधार का जो सूबेदार था अली मदीन खान, इसे 1638 में मुगलों की तरफ खींच लिया है। ऐसे करके कंधार पर इनका उन्हें वर्चस्व स्थापित हो जाता है। आठवां पॉइंट नोट कर लेना, सहाबास की मृत्यु के बाद ईरान में उथल पुथल मच गई। आठवें का सब पॉइंट, शाहजहां ने कंधार के, यानी कि इसमें लिखेंगे इसका फायदा उठाकर या इसका लाभ उठाकर, इसका लाभ उठाकर शाहजहां ने कंधार के सूबेदार अली मदान मदीन खान को मुगलों की तरफ खींच लिया। ठीक है, तो ये थे इनके ईरानियों के साथ संबंध, इनके मुगलों के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब शाहजहां का बल्क अभियान, शाहजहां का जो बल्क अभियान रहा है इसके बारे में और जानेंगे हम। ठीक है, देखिए शाहजहां का जो बल्क, यानी कि बल्क पर हमला करने का कोई भी उद्देश्य नहीं था, शाहजहां ये केवल चाहता था कि बल्क पर हमारा कोई ऐसा प्रतिनिधि बैठ जाए जो केवल और हमारा मित्र हो, यानी कि हमारी सीमाएं सुरक्षित बनी रहें, यानी कि हमारे जो काबुल कंधार वाला क्षेत्र है वो सुरक्षित बना रहे, हमारी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा होती रहे, यानी इनका प्रॉपर वे में वहां पर शासन करने का कोई उद्देश्य नहीं था कहा जाए तो। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, शाहजहां काबुल पर बार बार उज्बेक हमलों और बलूच और अफगान कबीलों के साथ उनके षड्यंत्रों पर अधिक चिंतित था। ठीक है, यानी कि बार बार हमले हो रहे थे, बार बार उज्बेकों, उज्मल मेन चीज थी उज्बेकों को रोकना था इन्हें, तो पहला पॉइंट नोट कर लेना यही वाला। ठीक है, अब उसी दौरान क्या होता है, यानी कि जब ये परेशान नहीं, पहला पॉइंट आपका आईटी यही है, तब तक क्या होता है कि बल्क और बुखारा एक जगह है, बल्क के पास में ही, बदकसा बुखारा पास पास में ही है, तो यहाँ पे नजर मोहम्मद और उसका बेटा है कौन, अब्दुल अजीज, तो ये इनके नियंत्रण में आ चुका था। ठीक है, पहले का सब पॉइंट नोट करेंगे, तब तक बल्क और बुखारा नजर मोहम्मद और उसके बेटे अब्दुल अजीज के नियंत्रण में आ चुके थे, अब्दुल अजीज के नियंत्रण में आ चुके थे, ये पहले का सब पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर काबुल और गजनी पाने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अफगान कवायलियों की मदद से अनेक आक्रमण किए हैं, यानी कि मुगलों के खिलाफ जो काबुल और गजनी पाने के लिए जो नजर मोहम्मद है और इसका बेटा अजीज मोहम्मद है, यानी कि अब्दुल अजीज है, इसने तमाम मुगलों पर आक्रमण किए हैं। तो पहले का सेकेंड सब पॉइंट नोट करेंगे, अब आप काबुल और गजनी को पाने के लिए उन्होंने अफगान कवायलियों की मदद से अनेक आक्रमण किए। ठीक है,
अब उसी दौरान क्या होता है कि अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और वो वहां से भाग गया है। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट नोट करेंगे, पहले का थर्ड सब पॉइंट। अब्दुल अजीज ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया, ठीक है, और सिर्फ बल्ख ही नजर मोहम्मद के पास रह गया, यानी कि अब बुखारा वाला हिस्सा चला गया है और बल्ख पर केवल नजर मोहम्मद रह गया है। ठीक है, यानी विद्रोह करने की वजह से क्या हुआ कि मोहम्मद अजीज ने जो विद्रोह कर दिया इसके बेटे ने, अब्दुल अजीज ने, ठीक है, नजर मोहम्मद के बेटे ने, तो अब जो नजर मोहम्मद है ये केवल केवल कहां पर बैठा रह गया, ये बल्ख पर रह गया है। ठीक है, ये आपका पहले का थर्ड सब पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी दौरान नजर मोहम्मद ने क्या किया है कि नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद मांगी है। ठीक है, नजर मोहम्मद ने अब अकेला पड़ गया क्योंकि बेटा भी इसके अगेंस्ट हो गया है और ऊपर से उज़्बेकों का खतरा है ही है, तो ऐसी स्थिति में नजर मोहम्मद को और कोई दिखाई नहीं दिया। नजर मोहम्मद ने यही सोचा कि अब तो मुगलों से संधि करना ही बेहतर है। ठीक है, तो यहां पे पहले का चौथा सब पॉइंट नोट करेंगे। उसने यानी कि नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद मांगी, शाहजहां से मदद की गुहार की, लिख लेना, नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद की गुहार की। इसी में आगे लिखेंगे, शाहजहां ने, कट गई लाइन, कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहां पर है, शाहजहां ने 1646 में शाहजादा मुराद की कमान में एक सेना भेजी। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपका पहले का चौथा सब पॉइंट, उसने यानी कि जो आपका नजर मोहम्मद है ने शाहजहां से मदद की गुहार की, शाहजहां ने 1646 में शाहजादा मुराद की कमान में एक सेना भेजी, यानी इसकी कमान में एक सेना भेजी है। ठीक है, अब क्या होता है कि शाहजहां ने जो अपना बेटा है शाहजादा मुराद, इसे समझा दिया था कि भाई आपको उनके अकॉर्डिंग चलना है, यानी विनम्रता के साथ परिचय देना है, विनम्रता के साथ उस राज्य की हिफाजत करनी है। क्योंकि उधर क्या था, उधर बड़े ही एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नजर मोहम्मद है, नजर मोहम्मद को यह भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ विश्वासघात हो जाए। विश्वासघात का मतलब कि हमने मुगलों से मदद मांगी है और मुगल मदद के बहाने हमारे ऊपर कब्जा ना कर लें, उसे यह भी कहीं अंदर डर सता रहा था। अब वही हुआ जो वो सोच रहा था, वही हुआ। अब क्या होता है, जो शाहजादा मुराद है ये बहुत उतावलेपन में जाते हैं, वहां पर उतावलेपन में जाने जाने में क्या गलती कर देते हैं कि ये अपनी जो सेना है वो अपनी सेना उसके नजर मोहम्मद के बिना निर्देशों के ही उसके बल्ख नगर की ओर कूच करने के लिए आदेश दे देते हैं। इससे क्या होता है कि नजर मोहम्मद है वो भयभीत हो जाता है, भयभीत होकर वो छोड़ के भाग जाता है, यानी बल्ख को छोड़ के भाग जाता है। अब तो स्थिति बड़ी डामाडोल हो गई, यानी कि ये तो ये सोच रहे थे हम अपना मित्र शासक बैठाएंगे वहां पर, उज़्बेकों को सुरक्षा होगी हमारी, लेकिन अब डर के मारे नजर मोहम्मद ही भाग जाता है। क्योंकि उस समय इतने कोई साधन तो थे नहीं, वही टेलीफोन के ये कंफर्म करने के क्या क्या चल रहा है दिमाग में, तो उनके दिमाग में उसके दिमाग में एकदम उल्टा ही आया। उसने लगा कि अब तो ये हमारे ऊपर कब्जा करेगा, हमें मार डालेगा, तो हम भाग जा रहे हैं। तो यही हुआ, ये यहां से भाग जाता है। ठीक है, तो यहां पे अब सेकंड का सब पॉइंट नोट करेंगे, सेकंड का सब पॉइंट। इस बीच सॉरी सेकंड पॉइंट यहां से नोट करेंगे, मुराद के उतावलेपन ने सारी योजना चौपट कर दी। उसने नजर मोहम्मद के निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना बल्ख नगर की ओर कूच कर दिया, जिसके कारण नजर मोहम्मद वहां से भाग खड़ा हुआ। अब यानी नजर मोहम्मद डर के मारे भाई भाग गया, उसे लगा कहीं हमें मारना नहीं तो हमारा तो राज ही खत्म हो जाएगा। अब देखिए, मुगलों की कोई मनसा थी नहीं वहां पर राज करने की, तो अपने साथ इतना साधन, इतनी यार रसद नहीं लेके गए थे, इतना साधन संसाधन लेके नहीं गए थे। दूसरी बात यह थी कि वहां की जनता भी मुगलों से इतनी यार खुश नहीं थी, तो कैसे भी करके इन्होंने स्थिति को संभाला तो है, यानी कि बल्ख वाले अभियान को संभाला तो हुआ कैसे भी करके, जैसे जैसे करके। लेकिन ऊपर से बात यह है कि शाहजादा जो भेजा गया था वो भी उसे ये आइडिया नहीं था कि भाई हमें शासन करना पड़ेगा, उसे तो बस ये था कि कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, हेल्प करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसी बीच में क्या घटित होता है, सेकंड का सब पॉइंट करेंगे। इस बीच शाहजादा मुराद को घर, जिसे घर की याद सता रही थी, शाहजादा औरंगजेब के द्वारा विस्थापित कर दिया गया। यानी इस समय क्या कर दिया, शाहजहां ने शाहजादा मुराद को घर की याद भी आ रही थी, तो उस समय औरंगजेब को वहां पर भेज दिया, शाहजादा मुराद फिर वापस लौट आया है। ठीक है, ये आपका सेकंड का पहला सब पॉइंट है। अब देखिए, जो अब्दुल अजीज है उसका बेटा नजर मोहम्मद का, इसने क्या किया उसी दौरान, अब्दुल अजीज ऑक्सस पार करके घुसाया है और मुगलों ने बल्ख के दरवाजों के बाहर 1647 में
उसी समय जो है उज्बेकों को भी मात दे दी, यानी कि अब्दुल अजीज ने कुछ उज्बेकों को साथ में लेकर उज्बेकों के साथ कैसी करके बल्क पर कब्जा करने के लिए बढ़ा है आगे ये। लेकिन तब तक औरंगजेब का औरंगजेब वहां पहुंच जाता है, औरंगजेब स्थिति को नियंत्रित करके अब्दुल अजीज के पैर भी उखाड़ दिए हैं और जो जो उज्बेक थे आसपास उज्बेकों को भी मात दी है। सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए बल्क में मुगलों की विजय हो जाती है इस तरह से, जैसे जैसे बिना चाहते हुए भी बल्क अभियान में मतलब अपना शासन स्थापित कर लेते हैं। अब क्या होता है यहां पर, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, बल्क में मुगलों की विजय के बाद नजर मोहम्मद ने अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए मुगलों से संपर्क किया। ठीक है, बल्क में मुगलों की विजय के बाद नजर मोहम्मद ने अपना साम्राज्य वापस पाने के लिए मुगलों से संपर्क किया। यह आपका थर्ड पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए शाहजहां ने भी क्या किया है, शाहजहां ने जो है नजर मोहम्मद के पक्ष में झुक गया है, यानी कि जो संपर्क हुआ है तो शाहजहां भी झुक गया है, लेकिन शाहजहां ने कंडीशन लगा दी। उसने ये कहा है कि नजर मोहम्मद से कहा है कि पहले वह शाहजादा औरंगजेब से क्षमा मांगे और उसके सामने सर झुकाए, यानी इसका मतलब क्या था, एक तरह से हमारे सामने ही सर झुकाने का मतलब है। लेकिन अब भाई दोनों ही लोग इज्जतदार लोग थे, तो वो नजर मोहम्मद भी नहीं आया है लौट के, अब नजर मोहम्मद बहुत समय तक लौट के नहीं आया है तो मजबूरी में अपने बल्क को छोड़ के आना पड़ा है। ठीक है, तो थर्ड का सब पॉइंट नोट कर लेना, शाहजहां ने नजर मोहम्मद के पक्ष में निर्णय दिया और उसे कहा गया कि पहले वह शाहजादा औरंगजेब से क्षमा मांगे और उसके सामने सिर झुकाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब यही इनकी हट को लेकर बढ़ाई दिक्कत असमंजस पैदा हो गई है। क्या हुआ है यहाँ पे, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट नोट करेंगे। अब आप नजर मोहम्मद स्वयं आकर सलाम बजाए, इसकी व्यर्थ प्रतीक्षा करने के बाद अक्टूबर 1647 में मुगलों ने बल्क छोड़ दिया, क्योंकि सर्दी का मौसम तेजी से पास आ रहा था और बल्क में रसद नहीं थी, राशन भी समाप्त हो गया था, क्योंकि ये शासन करने के उद्देश्य तो वहां पे गए नहीं थे, वहां पे केवल एक शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन इन्हें की मजबूरी बन गई, इन्हें वहां पर अब शासन में हस्तक्षेप करना ही पड़ा है, वहां बैठना पड़ा है गद्दी में। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का सेकंड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए शाहजहां का जो बल्क अभियान रहा है इसको लेकर भारी मतभेद हैं, यानी कि लोगों के जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनके तमाम मत हैं। कुछ का मानना यह है कि वो अपना जो पुरानी जो फरगाना वाला राज्य था, ऑक्सस पार की सीमाएं, उनको मुगल सीमा बनाना चाहता था। कुछ का मानना यह है कि नहीं, बल्क में हस्तक्षेप करने का रीजन ये था कि कंधार काबुल को सिक्योर बनाया जाए, यानी सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन हमने काबुल कंधार वाले जो मत को ही अपने यहाँ पे माना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चौथा पॉइंट नोट करेंगे, शाहजहां का उद्देश्य बल्क और बदख्शां में जो काबुल की सीमा पर स्थित थे मित्र शासकों को रखना था, यानी मेन उद्देश्य यही था, मित्र शासक रहेंगे तो हमारी उज्बेकों की सुरक्षा भी होगी और हमारी उत्तर पश्चिमी सुरक्षा भी सीमा भी सुरक्षित बनी रहेगी। ठीक है, इसी में आगे लिख लेना, इन क्षेत्रों पर 1585 तक तैमूरी राजाओं का ही राज्य था। ठीक है, चौथा पॉइंट यही है, शाहजहां का उद्देश्य यही था बल्क और बदख्शां में जो काबुल की सीमा पर स्थित थे मित्र शासकों को रखना था, इन क्षेत्रों पर 1585 तक तैमूरी राजाओं का ही राज्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पांचवा पॉइंट नोट करेंगे, सैनिक दृष्टि से तो अभियान सफल रहा, सैनिक दृष्टि से तो बल्क अभियान सफल रहा। ठीक है, मगर पर लंबे समय तक बल्क को अपने प्रभाव में रखना मुगलों के बस से बाहर था। रीजन यही था कि वहां पर कुछ साधन ज्यादा नहीं थे, संसाधन ज्यादा नहीं थे, तो इस वजह से लंबे समय तक ये रख नहीं पाए हैं। पांचवा पॉइंट नोट कर लेना, सैनिक दृष्टि से तो बल्क अभियान सफल रहा पर लंबे समय तक बल्क को अपने प्रभाव में रखना मुगलों के बस से बाहर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आगे अगली हेडिंग जो है ये मुगल ईरान संबंध, यानी कि मुगल ईरान संबंध ये अंतिम चरण है, मुगल ईरान संबंधों का अंतिम चरण है कि अंतिम चरण में क्या क्या घटित हुआ है ये आप हेडिंग डाल लीजिए, मुगल ईरान संबंध इसी में आगे है अंतिम चरण। ठीक है, आपने हेडिंग डाल ली, यानी अब तक तो आपने पहला चरण पढ़ लिया था उनका, अब यहाँ पे अंतिम चरण में क्या क्या घटित होता है और अंतिम चरण में कहां तक जो है सफलता मिलती है ये अब जानेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, देखिए बल्क में जो धक्का लगा था, बल्क में मुगलों के जाके बैठ जाने से क्या हुआ था, वहां पर उज्बेक भी नाराज हो गए थे, वहां पर जो अफगानी कबीले थे वो भी नाराज हो गए थे, और उसी दौरान क्या होता कि
ईरानी थे तो ईरानियों ने कंधार पर हमला करके उसे जीत लिया था, यानी इसी जो बल्क अभियान के चक्कर में। ठीक है, पहला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, बल्क में धक्का लगने के बाद, बल्क में वैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसे नोट कर रहे हैं, बल्क में धक्का लगने के बाद काबुल क्षेत्र में उज्बेक और खैबर गजनी क्षेत्र में अफगान कवायली और खैबर क्षेत्र में अफगान कवायली असंतोष से भर उठे तथा हौसला पाकर ईरानियों ने कंधार पर हमला करके उसे फिर से जीत लिया 1649 ईस्वी। फिर से रिपीट कर रहा हूं पहला पॉइंट कि बल्क में धक्का लगने के बाद काबुल क्षेत्र में उज्बेक और खैबर गजनी क्षेत्र में अफगान असंतोष से भर उठे तथा हौसला पाकर ईरानियों ने कंधार पर कब्जा कर उसे जीत लिया है। ठीक है, यानी कि जो कंधार तक इनकी सीमाएं थी अब वहां पर ईरानी फिर से आगे बैठ गए हैं। ठीक है, अब यहां पर साझा को फिर से गहरा आघात लगता है कि भाई क्या हो जाता है, तो साझा ने फिर से अब 3 बड़े अभियान भेजे हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट यहां पर नोट करेंगे, सेकेंड पॉइंट, साझा ने कंधार को वापस पाने के लिए तीन बड़े अभियान भेजे। कौन कौन से 3 बड़े अभियान रहे हैं वो अब आप नोट डाउन करते जाएंगे। देखिए, पहला अभियान रहा है औरंगजेब ने चलाया है। ठीक है, सेकंड का पहला सब पॉइंट नोट करेंगे, लिखेंगे यहां पर पहला अभियान औरंगजेब ने चलाया। ठीक है, पहला अभियान औरंगजेब ने चलाया, उसने किले से बाहर ईरानियों को हराया, उसने किले से बाहर ईरानियों को हराया पर उसे जीत ना सका। किसे? पर उसे कंधार के किले को जीत नहीं सका, यानी कि असफल रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड का पहला सब पॉइंट, पहला औरंगजेब ने चलाया, उसने किले के बाहर ईरानियों को हराया पर उसे जीत ना सका, यानी कंधार को किले को जीत नहीं सका है। ठीक है, अब सेकंड सब पॉइंट, यानी कि अब इसके 3 साल बाद औरंगजेब ने फिर से प्रयास किया है। अब क्या किया है औरंगजेब ने? ठीक है, अब यहां पे सेकंड सब पॉइंट लिख लेना, औरंगजेब ने 3 साल बाद एक दूसरी कोशिश की और वह भी नाकाम रही। ये आपका सेकंड सब पॉइंट है, सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे। देखिए, सबसे बड़ा प्रयास जो हुआ अगले साल 1653 में, यानी 1652 में औरंगजेब का प्रयास हुआ दूसरा, उसके बाद क्या होता है 1653 में साझा के प्रिय पुत्र दारा के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा प्रयास अगले साल 1653 में साझा के सबसे प्रिय पुत्र दारा के नेतृत्व में हुआ, इसी में आगे लिखेंगे, पर उसका भी कोई परिणाम ना निकला। यानी कि ये भी तीसरा वाला, तीनों ही अभियान जो है असफल रहे पर उसका भी कोई परिणाम ना निकला। ये आपका सेकंड का थर्ड सब पॉइंट था। ठीक है, अब क्या होता है कि समय के साथ हर शासक कमजोर पड़ता है, तो वही स्थिति वहां कर बाकी भी थी। धीरे धीरे करके उज्बेक और सब्बी दोनों ही कमजोर पड़ते गए हैं। इस तरह से कंधार का जो महत्व था, किसी टाइम पे महत्व था, वो वहां पर कंधार का रणनीतिक महत्व भी समाप्त होता चला गया है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, उज्बेक और सब्बी जब दोनों ही अधिकाधिक कमजोर पड़ते गए तो कंधार का वह रणनीतिक महत्व नहीं रहा जो पहले था। ये थर्ड पॉइंट नोट कर लेना आप। ठीक है, अब क्या होता है, अब औरंगजेब का शासन स्टार्ट हो जाता है। अब औरंगजेब ने क्या यहां पे चाल चली है, औरंगजेब ने भी यही सोच लिया है कि कंधार में अब समय लगाने से कोई फायदा नहीं है, तो इसने फिर से जो अपने कूटनीतिक संबंध है ये ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध फिर से जोड़ लिए हैं। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, औरंगजेब ने कंधार के व्यर्थ के विवाद को जारी न रखने का फैसला किया और खामोशी से ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध फिर से जोड़ लिए। ठीक है, यानी कि यह भी नहीं चाहता था कि हमारा कंधार के साथ फिर से विवाद हो। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, उसी टाइम पे एक शासक है जिनका नाम है शाह अब्बास, ईरान के सुल्तान है शाह अब्बास होती, इन्होंने मुगल दूत को अपमानित किया है और औरंगजेब के खिलाफ क्षुद्र बातें कही। ठीक है, चौथे का सब पॉइंट नोट करेंगे, लेकिन 1668 में ईरान के सुल्तान शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल दूत को अपमानित किया, औरंगजेब के खिलाफ क्षुद्र बातें कही। अब इससे क्या होता है, औरंगजेब को गुस्सा आता है। अब क्या होता है इसी दौरान, यानी कि ये कहते नहीं है कि वक्त मेहरबान तो गधा भी पहलवान, वही कहावत यहां पर भी साबित होती है, पर यहां पर कोई कार्रवाई हो इससे पहले ही शाह अब्बास जो है वो चल बसा है। अब कोई झंझट झगड़ा ही खत्म हो गया, जब आदमी खत्म हो गया तब ईरानियों से झगड़ा ही किस बात का करना। ठीक है, तो चौथे का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना, चौथे का पहला सब पॉइंट तो यही था कि लेकिन 1668 में ईरान के सुल्तान शाह अब्बास द्वितीय ने मुगल दूत को अपमानित किया, औरंगजेब के खिलाफ क्षुद्र बातें कहीं। ठीक है, चौथे का सेकंड सब पॉइंट, पर कोई कार्रवाई हो इससे पहले ही अब शाह अब्बास चल बसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखिए चौथे का थर्ड सब पॉइंट नोट करेंगे,
ईरान की ओर से भारतीय सीमा के लिए सभी खतरे तब तक टल गए जब 50 वर्ष से अधिक समय बाद नादिर शाह नाम का एक नया शाह ईरान के तख्त पर नहीं बैठा। यानी जब तक 50 सालों तक, यानी औरंगजेब के भी 50 सालों तक जो खतरे टले रहे हैं, जब तक ईरान में एक नया शासक जिसका नाम नादिर शाह नहीं बैठा है, तब तक सब खतरे ईरान की ओर से टले रहे हैं। ठीक है, ये आपका चौथे का थर्ड सब पॉइंट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट अब आप नोट करेंगे और अंतिम पॉइंट है इस तरह से, यानी कुल मिलाकर जो अभियान था, यानी कुल मिलाकर जो वहां का हमारा अभियान रहा है वो सफल रहा है। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट नोट करेंगे यहां पर, कुल मिलाकर मुगल उत्तर पश्चिम में वैज्ञानिक सीमा रेखा बनाए रखने में सफल रहे जो हिंदू कुश पर आधारित थी, और दूसरी ओर इसकी बाहरी गढ़ कंधार था। यानी कुल मिलाकर मुगलों का 200 सालों तक शासन रहा है, तो उस दौरान इनके बाहरी आक्रमण इतने बड़े नहीं हुए हैं भारत में, क्योंकि उस समय तक इन्होंने अपनी सीमा रेखा जो है जैसे जैसे ये बनाने में सफल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो। अब देखिए छठा पॉइंट नोट कर लेना, चाहे एक छठा पॉइंट और नोट कर लेना, अंतिम पॉइंट है कि काबुल और कंधार मध्य एशिया के साथ भारत के दो प्रवेश द्वार थे। यानी काबुल और कंधार जो है ये मध्य एशिया के साथ भारत के दो प्रवेश द्वार कहे जाते थे, काबुल और कंधार। ठीक है, ये छठा पॉइंट नोट कर लेना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखिए आप लोगों का साथ इतना लंबा रहा, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने जो बड़े बड़े वीडियो हैं, सबसे जटिल जो पोर्शन था वो हिस्ट्री वाला पोर्शन ही था, और मैंने लगभग आज अगर मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर 70% जो हिस्ट्री का सिलेबस है कवर कर लिया। अब 30% बचा है जो आपकी बिपिन चंद्रा वाली पुस्तक है, तो वो भी कवर हो जाएगी। यानी आने वाले लगभग 15-20 दिनों में हम जो है हिस्ट्री खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमारा फिर अन्य सब्जेक्टों पर टारगेट होगा। तो तभी संभव हुआ जब आप लोगों ने सहयोग किया। ठीक है, फिर भी मैं देखता हूँ कि अभी भी जो डेली मैं जो वीडियो ला रहा हूँ उसे मात्र 10 लोग देख पा रहे हैं। इन 10 लोग प्रॉपर मैंने मेरे साथ चल रहे हैं, बाद बाकी लोग बहुत पीछे चल रहे हैं। जब मैंने देखा है कुछ लोगों के माइंड में ये बैठा है कि सर सारी वीडियो कंप्लीट होने के बाद सर जो है पीडीएफ बना, किसी स्टूडेंट की पीडीएफ ले लेंगे, किसी स्टूडेंट का नोट्स कॉपी करके हमें दे देंगे। देखिए मैं कभी नहीं देने वाला, ये तो दिमाग से निकाल देना कि मैं किसी स्टूडेंट की कॉपी लेकर या अपनी कॉपी को मैं पीडीएफ बनाकर आप लोगों को दूंगा, वो मैं कभी नहीं देने वाला हूँ। आप नोट्स बनाइए या ना बनाइए वो आपकी हेडक है। ठीक है, मेरा काम यह था कि आपको नोट्स बनवा दिए मैंने प्रॉपर वे में, समझा दिए जो टिपिकल वर्ड थे या फिर जो बहुत ही डिफिकल्ट लाइन पढ़ रही समझा दिया यहाँ पे, बस मेरा काम इतना था। अब बाद बाकी काम आपका रहा, आप बनाए या ना बनाए। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगा, फिर भी कहूंगा कि आप बना लें नोट्स, और किसी कोचिंग की प्रतीक्षा करने से बेहतर है अगर आप सेल्फ स्टडी कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।